कुछ दिनों पहले एमआई उधमपुर जरिए मिली माहिती आधार पर सीएसएल सीएडी क्राइम का ऑफिसर भरूच के पास अंकलेश्वर में एक इंडस्ट्री है, उसने सर्वेलेंस माउंट किया था और सर्वेलेंस के टाइम पे प्रवीण मिश्रा करके एक व्यक्ति मिले, उनका मोबाइल फोन चेक किया था। उस मोबाइल फोन पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उस आधार पर हमने एक अफेंस आईपीसी 123 आईटीआई का और कॉन्स्पिरेसी का अफेंस रजिस्टर किया। इसमें मुख्य जो माहिती ये है, पाकिस्तान का आईएसआई हैंडलर खुद का नाम सोनल गर्ग तरीके बताती और वो आईबीएम चंडीगढ़ में काम करती ऐसे बोल के हनी ट्रैप करने की कोशिश की और हनी ट्रैप में प्रवीण मिश्रा ट्रैप हुए। उसमें प्रवीण मिश्रा से इंडिया का जो डिफेंस रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं या अन्य जो प्राइवेट संस्था डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो स्पेयर पार्ट्स तैयार करके देते हैं वैसे लोगों को टारगेट करते हैं। उसमें प्रवीण भी है। प्रवीण पहले हैदराबाद का एक संस्था में काम करते थे, वो संस्था डीआरडीओ के साथ काम करते थे, डीआरडीओ को कुछ स्पेयर पार्ट्स बेचते थे, इसलिए प्रवीण मिश्रा को टारगेट किए थे। प्रवीण मिश्रा के साथ फेसबुक में पहले गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर इंडियन मोबाइल फोन यूज करती है व्हाट्सएप के लिए, वो नंबर शेयर करके प्रवीण मिश्रा का एंटेस करके प्रवीण मिश्रा यहां तक गया तो उसको शादी कर सकते हैं ऐसे पूछा भी है, तो प्रवीण मिश्रा को एंटेस करके प्रवीण मिश्रा से इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। उसमें कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रवीण मिश्रा ने शेयर भी किया। इसके अलावा प्रवीण मिश्रा के अलावा और भी काफी जो संस्था के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ अलग अलग संस्था के लोगों को भी टारगेट किया, ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्रवीण मिश्रा हैज बीन अरेस्टेड यस्टरडे आफ्टर रजिस्टरिंग केस एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन।